रहा हूँ, मजाक चल रही है, ट्रोलिंग चल रही है, काफी नाम गिर रहा है, काफी नाम डूब रहा है। थोड़ा तो दिमाग लगा के बोला कर जनता। हे गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं मनीष सिंह, गाइस आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस रहा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया, तो फटाफट इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आपको जेन्युइन सप्लीमेंट चाहिए तो AFN एथलीट फॉर्मूला न्यूट्रिशन का आप एक बार कोई भी सप्लीमेंट परचेज कर सकते हो, जहां पे आपको जेन्युइन 110% मिलेगा विथ लैब टेस्ट रिपोर्ट। तो गाइस चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है वो है शिवम कृष्णा मस्टर्ड की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो शिवम ने अपना एक अपडेट शेयर करा, एंड गाइस उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि आप लोग देख सकते हो, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि 6-7 सप्ताह ऑन ट्रैक पे हैं। और कंडीशन गाइस रियली बताऊं तो करंट कंडीशन देख करना ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत टाइम से ऑफ पे हैं, क्योंकि जब से अपना इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तब से ये वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गाइस आप लोग देख सकते हो कंडीशन में बिल्कुल कोई कमी नहीं लग रहा, कंडीशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है। और 5 से 6 सप्ताह अभी अच्छे से प्रैप करेंगे तो ऑन स्टेज आ सकते हैं गाइस। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कि कृष्णा मस्टर्ड का फिजिक आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका इसरार प्रोविस्ट की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो इसरार प्रोविस्ट ने अपना एक अपडेट शेयर करा, और गाइस जिनके अंदर ना इनका बॉडी के अंदर मसल मैच्योरिटी बहुत बढ़िया है और काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं फॉर द प्रो कार्ड, बट अनलक्की है फिलहाल। तो इस साल देखते हैं कि क्या इस बार ये प्रो कार्ड अपना जीतते हैं या फिर नहीं। कंडीशन की बात करेंगे तो कंडीशन बहुत अच्छा है, चाहे वो लोअर बॉडी की बात करें चाहे वो अपर बॉडी का। इनका बॉडी जो है ना, मतलब एक कंप्लीट फ्रेम वाली बॉडी है। लोअर बैक में भी देख सकते हो गाइस सेपरेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है, साइड चेस्ट देख सकते हो और क्वाड सेक्शन देख सकते हैं, हैमस्ट्रिंग देख सकते हैं, मतलब एवरीथिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट है। तो ये फिर से कंप्लीट जरूर करेंगे जो अभी दिल्ली में सेरू क्लासिक होने वाला है। तो देखते हैं क्या इनको इस बार मिलता है प्रो कार्ड या फिर नहीं, और कितना इंप्रूवमेंट करके आएंगे। लास्ट टाइम सबसे बड़ा चीज देखना होगा, लास्ट टाइम और इस टाइम में कितना इंप्रूवमेंट करके आएंगे वो हम लोग को देखना होगा। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना इनका फीक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है हिमांशु शर्मा की तरफ से। गाइस रिसेंटली उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा और उन्होंने लिखा था 19 वीक्स आउट हैं अपने कंपटीशन से, ये इनका करंट कंडीशन है। देखो 19-19 सप्ताह ये आउट हैं सेरू क्लासिक से, तो अभी ऑफ सीजन में, और उन्होंने अपना प्रैप, इनका साइज तो वैसे मैंने लास्ट रिसेंटली देखा था बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बट उस अनुसार अभी इनका साइज ठीक ठाक अच्छा खासा इन्होंने पुट ऑन करा, रिकवरी करा। तो देखते हैं कि हिमांशु शर्मा कितना बढ़िया फिजिक को डिस्प्ले करते हैं। वैसे मैं बताऊं तो लास्ट टाइम इन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता था सेरू क्लासिक में, तो इस साल देखते हैं कि क्या इस बार इनका गोल्ड मेडल अपने कैटेगरी में आता है, क्या ये अपने प्रो कार्ड के लिए जाएंगे, ये हम सभी लोग को देखना होगा। कंडीशन वैसे ये बहुत अच्छा, बहुत हार्ड और टाइट लुक लेकर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रेम छोटा लग रहा था, मतलब अपने फ्रेम में यदि कम से कम 10 LBS के आसपास 4-5 kg और मसल मास पुट ऑन करते हैं तो इनका फिजिक बहुत बढ़िया लगेगा ऑन स्टेज, बहुत पूरा लाइनअप में थोड़ा सा अलग दिखेंगे कंडीशनिंग वाइज। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है डेरेंस लैंगफोर्ड की तरफ से। गाइस रिसेंटली देख सकते हो डेरेंस ने अपना एक अपडेट शेयर करा, एंड गाइस सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को पता होगा कि डेरेंस लैंगफोर्ड ने लास्ट टाइम अभी जो मतलब ओलंपिया हुआ वहां पे इन्होंने टाइटल जीता। तो गाइस आप लोग को क्या लगता है कि डेरेंस लैंगफोर्ड इस साल फिर से कम बैक करेंगे अपने टाइटल को, क्या रिक्लेम कर पाएंगे, या फिर हार्डी 2.0 बिग रैमी? देखो प्रैप बिल्कुल दोनों लगे पड़े हैं, क्योंकि देखो एक तो मतलब पिछले साल उन्होंने जीत के फिर से हार गए, पिछले साल हार्डी 2022 में जीता तो उन्होंने 2023 में फिर से वो हार गए, तो कम बैक तो करेंगे। वैसे करंट कंडीशन के अनुसार भी बात करें तो गाइज बहुत अच्छा फीक लग रहा है इनका डेरेंस का, एंड गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर एक बार बता देना कि इनका फिजिक कैसा लग रहा। मतलब देखो मिड सेक्शन अभी भी इनका बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा, मतलब ये है कि ये कंडीशन में है। तो आप लोग कमेंट कर बताना कि इनका फिजिक कैसा लगा, और आप लोग को क्या लगता है 2024 के ओलंपिया ओपन्स कौन जीतने वाले हैं, हार्डी, डेरेंस या फिर ग्रैमी? तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है जोन द उल्फ जीजो जोन की तरफ से। गाइस रिसेंटली जैसे तो जीजो जोन ने अपना एक अपडेट शेयर करा, एंड गाइस आप लोग देख सकते हो जीजो जोन का ये करंट कंडीशन है। कंडीशनिंग की बात करें गाइस तो मैं बताऊं जीजो जोन के एक ऐसे फिट्स है ना बहुत ज्यादा सिंसियर, और हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके लास्ट 2-3 साल में देखो इन्होंने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट करा, प्रो कार्ड जीता, उसके बाद देखो इनको पता है कि किस डिवीजन में ये ज्यादा सुटेबल है। और हकीकत की बात बताता हूँ, जो अभी मैन फिजिक का क्राइटेरिया चल रहा उस अनुसार मतलब
100% तो मैं मेरे को ऐसा लगता है कि सूटेबल नहीं है जो उनकी आगे बहुत, तो इनको इन्होंने सही करा अपना क्लासिक फिजिक में स्विच कर लिया। गाइस आप लोग देख सकते हो करंट कंडीशन के अनुसार बताऊं तो बहुत अच्छा इन्होंने इंप्रूवमेंट करा अपने फ्रेम, बहुत अच्छा गुड क्वालिटी मसल मास पुट ऑन करा। तो देखते हैं कभी अनाउंस करेंगे किस शो में कॉम्पीट करेंगे, क्या दिल्ली वाले सेरो क्लासिक में आपको ऑन स्टेज क्लासिक डिविजन में जी जॉन दिख सकते हैं। तो स्टेट यूनियन की वॉचिंग एंड आप लोग अगर कॉमेंट कर बताना कि इनका फिजिक कैसा लगा, आप इनके बारे में क्या सोचते हो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है सुंदरम की तरफ से। सन्नी फिजिक ने अपना एक अपडेट शेयर करा एंड गाइस उन्होंने कैप्शन में लिखा था दिस वाज द 3 डे बिफोर लास्ट सेरू क्लासिक, आई वाज फुल्ली डेवलेटेड इन द फ्लैट आफ्टर 6 डेज ऑफ द प्लेसेंट फेज जीरो कास्ट, आई वाज रेडी टू शो द हाइट बट रियल बट गुड गोड एंड सम बैक प्लान, मतलब अच्छे तरीके से ब्लोट कर गया था इनका मिड सेक्शन और ये इनका कंडीशन था शो से 3 दिन पहले की। देखो एथलीट्स है और कंपटीशन है, बॉडी बिल्डिंग गेम है, तो ये सब चलता रहता है। कभी आपका जिस दिन दिन होगा आप जीतोगे, जिस दिन आपका दिन नहीं होगा उस दिन कुछ ना कुछ वैसे चीज हो जाता है। तो आप देखते हैं कि सुंदरम किस पे काम करके आते हैं। देखो इनका जो है फिजिक इनका बहुत बढ़िया है, मतलब फ्रेम में जो मसल मास चाहिए वो मसल मास भी है, साइज भी है, सब कुछ है, लेकिन मेन कंडीशन मैंने इनको अपना वेस्ट कंडीशन में नहीं देखा। तो हम लोग को देखना होगा कि वेस्ट कंडीशन में कब ये हिट करते हैं और अपना वेस्ट कंडीशन अधि सन्नी फिजिक सुंदरम लेकर आएंगे ऑन स्टेज तो प्रो कार्ड ये जीत जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक जो भी है कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है भरत सिंह बालिया की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा। गाइस भरत सिंह बालिया का ये करंट कंडीशन है, कंडीशन की बात करूंगा तो भरत सिंह बालिया बिल्कुल कम बैक कर चुके हैं, मतलब बिल्कुल आ चुके हैं अपने जोन में, लेकिन ये कॉम्पीट करेंगे या फिर कॉम्पीट नहीं करेंगे इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि इनके तरफ से कुछ वैसा अनाउंस किसी प्रकार का कुछ अपडेट नहीं है। लेकिन जो फिजिक लग रहा तो ऐसा लग रहा कि इनको कॉम्पीट करना चाहिए। एंड भरत सिंह बालिया देखो एक ऐसे एथलीट्स हैं और एक ऐसे मतलब क्लासिक की बात करता हूं जिनका मतलब फिजिक बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है और अभी कॉम्पीट करेंगे ना तो बहुत अच्छा करेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या अनाउंस करते हैं, क्या कॉम्पीट करते हैं नहीं करते हैं जो भी है वाट एवर। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि ब्रशिंग बालिया का फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका यहाँ पे मनोज संगरपानी की तरफ से। गाइस तो मनोज संगरपानी ने अपना एक अपडेट शेयर करा एंड गाइस देख सकते हो बहुत ज्यादा बल्क हो चुके हैं, बिल्कुल कंडीशन ऑन पॉइंट लग रहा, मतलब इस बार ये अपने फ्रेम में बहुत अच्छा गुड क्वालिटी मसल मास पुट ऑन करने वाले हैं एंड गाइस बहुत अच्छा लगेगा। देखो मनोज संगरपानी के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, क्लासिक फिजिक में इन अपकमिंग टाइम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, 100% देंगे। तो गाइस एक बार ना आप लोग बताना मनोज संगरपानी का फिजिक कैसा लग रहा, करंट कंडीशन देखकर आप लोग को क्या लग रहा एंड कब ये अनाउंस करते हैं, क्या ये दिल्ली वाले शो में कम्पीट करते हैं नहीं करते हैं व्हाटएवर जो भी है। तो जरूर अपना जो भी है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है अभी ना एक कॉन्ट्रावर्सी चल रहा फिटनेस इंडस्ट्री में जो कि नॉट अ गुड थिंग। देखो इस तरीके से एक दूसरे को आप नीचे करोगे तो तरक्की नहीं कर पाओगे, ना आप तरक्की करोगे ना आपके इंडस्ट्री तरक्की करेंगे। पावर लिफ्टिंग इंडस्ट्री में अभी एक अपना दो भाई है, दोनों के बीच में थोड़ा कुछ उन्नीस भी बात हो रखे करके, तो एक वीडियो सुन लेना। बाकी पब्लिक आप लोग क्या बोलते हो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना क्योंकि देखो जनता ही जनार्दन है, तो आप लोग का जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो एक बार कमेंट करना पहले इस वीडियो को देखो आप। मजाक चल रही है, ट्रोलिंग चल रही है, काफी नाम गिर रहा है, काफी नाम डूब रहा है, बट ये एक फेज है। बहुत सारे बंदे ये चीज कह के ट्रोल कर रहे हैं कि आप भाग गए, पहले के जमाने में ऐसा होता था वैसा होता था। पहले का जमाना नहीं है, अभी तुम्हें अपने माता पिता के बारे में सोचना है और वहां रह के 40 लड़के जब हथियार के साथ अंधेरे में तुम पे अटैक करने आए तो वहां खड़े होके तुम कर क्या लोगे। आज मैंने पहली बार फेक आईडी बनाई, बताए सर को देखने के लिए। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा ऐसे इंसान से पाला पड़ा है जिसमें ये ही नहीं। मैंने ब्रेकडाउन करा है वैसे कुछ लाइफ का, मैं शाम को आऊंगा, बाय। फोकस लेवल देख रहे हो, बंदा अपनी जिम से भागा पर उसने भागते हुए भी ये देख लिया पेड़ के पीछे जो छुपा हुआ है वो भी हमारा बंदा है। गाड़ी के नीचे रोड पे गाड़ी के नीचे कोई लेटा हुआ है वो भी हमारा बंदा है, और भागते भागते ये भी देख लिया कि किसी गाड़ी में कोई बंदा सो रहा है वो भी हमारा बंदा है। अरे भाई थोड़ा तो दिमाग लगा के बोला कर, जनता देखती है यार। एक छोटा सा लाइफ प्लीज देखो हमारे बीच में जो भी
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसी प्रकार से आपको फिटनेस इंडस्ट्री का सारा अपडेट सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस पे मिलता रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, गुड बाय।